आपके अपने सुदर्शना अनिल यादव वार्ड नंबर 5। हमारा हर कदम समाज सेवा की ओर, हम वायदे नहीं विकास करवाएंगे। सीआर इंटरप्राइजेज निमराना, युवा उद्योगपति अनिल यादव बुडवाल। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। मंगलम रामबाग भैरो रोड नीमराना की बीड़ा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस। 100 से 400 वर्ग गज तक के प्लॉट्स ₹14,900 प्रति वर्ग गज में, 10x20 दुकानें मात्र 10 और 12 लाख में, सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही बुक कराने के लिए कॉल करें चेतन यादव को 8107000। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT24। रिट परीक्षा को लेकर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने पंचायत समिति सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उनके साथ नगरपालिका चेयरमैन सीताराम यादव, वाइस चेयरमैन विक्रम यादव, SDM और अनेक पार्षदगण भी मौजूद रहे। आइए आप भी देखिए क्या कहा विधायक बलजीत यादव ने। देखिए, रीट की जो 26 को एग्जाम है, इसमें हमारे बहरोड क्षेत्र में लगभग 11,000 अभ्यर्थी हैं, वो एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे। हम उन कंप्लीट जो 11,000 अभ्यर्थी आएंगे, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था हमने की है अलग अलग जगह। महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग से होगी व्यवस्था, और उनके जो पेरेंट्स आएंगे महिलाओं के साथ, उनके भी रहने और खाने की व्यवस्था हम करेंगे। हमारा जो बहरोड का स्टेडियम है, इसमें अस्थाई बस स्टैंड बनाया हमने, और लगभग 250 बसें हमने बुक की हैं, बड़ी बसें 250, जिनसे बिल्कुल निशुल्क उनको उनके परीक्षा केंद्र तक विद्यार्थियों को छोड़ेंगे हम। और जो रुकने की जहाँ पे सेंटर पे व्यवस्था करवाई गई, वहाँ पे भी बसें रहेंगी, वो भी उनको छोड़ेंगी। और कोई हमारे सेंटर पे नहीं रुका, सुबह आ गया, तो भी हमने बहरोड बस स्टैंड पे वो बस में उतरते ही वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया है। वहाँ पे जो भी वो सेंटर पे जाना चाहेगा वो जगह बताएगा, हमारा कार्यकर्ता उसको उस रूट पे जाने वाली जो हमारी बस होगी उसमें बिठा करके उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि उसको परीक्षा केंद्र तक छोड़ेगा। कोई असुविधा ना हो और अफरा तफरी ना हो, क्योंकि एक साथ इतनी भीड़ रहेगी तो सबने, प्रशासन ने, सबने पब्लिक की, जनप्रतिनिधि की, जनता की राय लेकर के, और हमने ये तय किया है कि 26 तारीख को बहरोड का जो मार्केट है वो केवल ज़रूरी सेवाओं को छोड़ के, जैसे मेडिकल की फैसिलिटी है, स्टेशनरी की दुकान, किसी स्टूडेंट को पेन की कोई भूल गया हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, ये खुली रहेंगी। बाकी पूरा मार्केट 26 को बंद रहेगा, ताकि एग्ज़ाम देने जाएं तो कोई जाम में ना फंसे, और एग्ज़ाम छूटे तो उसके बाद कोई ज़्यादा असुविधा ना हो। तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे भी बात हो गई है, 26 को हम कंप्लीट बंद रखेंगे। 25 तारीख को जो और हमारे यहाँ पे जो भी बाहर शॉप लगती हैं यहाँ पे मेन रोड से, जो मेन मार्केट में, उनको भी हमने समझाइश करी है कि आप तो 25 और 26 दो दिन रख लें आप, ताकि ट्रैफिक जाम ना रहे और कोई भी आने वाले परीक्षार्थी हैं उनको असुविधा ना हो। परिवार समझ करके कि मेरे परिवार की तरफ से व्यवस्था की गई है, ये ना समझे कि MLA की व्यवस्था है तो मैं वहाँ नहीं रुकूँगा, वो ये समझे कि मेरे परिवार की व्यवस्था है, वो वहाँ पे आए सेंटर पे और वहाँ पर रुके। बिजली विभाग के अधिकारियों को भी हमने कहा है कि बिजली सप्लाई में कोई रुकावट ना आए, फिर भी एहतियात के लिए कोई फॉल्ट आ जाए तो हम जनरेटर की व्यवस्था रखेंगे, कोई स्टूडेंट पढ़ाई करे तो ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए और उसको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो या कोई गर्मी के कारण परेशानी हो, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नहाने के लिए टॉयलेट वगैरह हैं, फिर भी और भी हमने टैंकर की और व्यवस्था की है कि जैसे भीड़ रहे ज़्यादा तो जो भी जेंट्स होता है, जो स्टूडेंट होता है, तो वो वहाँ पे भी जैसे अस्थाई उसके लिए बाथरूम की, टॉयलेट की व्यवस्था भी हम करेंगे। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो ऐसी अफवाह कोई भी फैलाए कोई किसी तरह की, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए।
कोई नीमराणा और बहरोड तहसील दोनों की व्यवस्था हम करेंगे। और पास में कुछ क्या है, मुंडा हो रहा है, मैं भी रुकना चाहता हूँ, बहुत से भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि मैं भी यहाँ रुकना चाहता हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ चाहे मुंडा हो रहा हो चाहे बांसूर आया हो, कोई भी हमारे यहाँ पे आए वो निसंकोच आए, हम और भी ज़्यादा के लिए व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी पूरी तैयारी है कि 11,000 परीक्षार्थी अगर आसपास की दूसरी तहसीलों के लोग भी रुके, तो चाहे 20,000 भी रुकें चाहे 25,000 रुकें, हम उनके लिए भी हमने एक्स्ट्रा तैयारी कर ली है पैरेलल, तो हमें पता लग जाएगा 25 की इवनिंग में ही कितने लोग हमारे पास आ गए। और ज़्यादा आएंगे तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी हमारे पास पूरी तैयारी है। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा, डॉक्टर इंदु यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में। डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। गिरिराज ठेकेदार हलवाई की नई शाखा गुप्ता रेस्टोरेंट एंड टिफिन सेंटर। हमारे यहाँ दही भल्ला, पपड़ी, मसाला डोसा, सांभर बड़ा, पाव भाजी, चाउमीन, दाल व प्याज कचौरी, गोलगप्पे और देशी घी से बनी लजीज टिक्की, होम डिलीवरी के साथ। 30 त्योहारों पर सादा व देशी घी से बने घेवर और फेणी होलसेल रेट पर। विवाह शादियों में हलवाई का विशेष प्रबंध। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें RAT 24। नमस्कार।